लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हो गया है। भाजपा ने इस बार कई अपने दिग्गज नेताओं को घर बैठा दिया, कहा कि आप थोड़े आराम कर लीजिए, चुनाव हम देख लेंगे। जैसे वीके सिंह हो गए हैं, अश्विनी चौबे हो गए, ऐसे कई नेता थे। अब खबर आ रही है कि भाजपा नेताओं को इनके धैर्य का फल देने वाली है। जी हां, इस साल जुलाई से लेकर सितंबर तक के बीच 9 राज्यों के राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। खबर है कि भाजपा इस बार उन नेताओं को राज्यपाल बनने का मौका देगी जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है। यूपी, राजस्थान, गुजरात, केरल, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय और पंजाब के राज्यपालों का कार्यकाल अगले 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना के राज्यपाल को इस बार लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया था, लिहाजा वहां भी राज्यपाल का पद खाली है। ऐसे में राज्यपाल बनने की रेस में अश्विनी चौबे, वीके सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आगे चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को इस बार पार्टी तेलंगाना का राज्यपाल बना सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के बाद तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वहां पर जो है राज्यपाल का पद खाली है। फिलहाल झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के पास तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है, तो अब जो है हो सकता है कि अश्विनी चौबे को तेलंगाना का राज्यपाल बना दिया जाए। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया था। 2014 और 2019 में वो बिहार के बक्सर से सांसद चुने गए थे। इस बार टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने खुलेआम अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने आश्वासन दिया था कि भाई हम आपके लिए कुछ अच्छा सोचे हैं, कुछ बढ़िया आपके लिए हमने रखा है, तो वो मान गए थे। अश्विनी चौबे के अलावा एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और वीके सिंह के नाम की भी चर्चा है जिन्हें राज्यपाल बनाया सकता है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह यूपी के गाजियाबाद से 2014 और 2019 में सांसद चुने गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने उनकी जगह अतुल गर्ग को इस बार उम्मीदवार बनाया था, जो कि चुनाव जीत भी गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा ने इस बार आम चुनाव में जिन बड़े नेताओं को टिकट नहीं दिया था उन्हें अब राज्यपाल बनाया जा सकता है, जिसमें 3 नाम जो है सबसे आगे चल रहे हैं, अश्विनी चौबे, वीके सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन का। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।